छत्तीसगढ़ में शनिवार को दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। पहले दिन प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदे। इस दौरान कई दिलचस्प नजारे भी देखने को मिले। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद क्या है सियासी दलों के दाव और कौन किस पर भारी और किसकी क्या है तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई। राजधानी रायपुर में नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत के दौरान काफी दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। आधे घंटे के भीतर ही दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने लिए नामांकन फॉर्म खरीद लिए। रायपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन के पहले ही घंटे में बवाल भी मच गया। दरअसल एक प्रत्याशी 10-10 रुपए के सिक्के लेकर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचा। अफसरों के द्वारा सिक्के स्वीकार नहीं किए जाने पर वो कलेक्ट्रेट के भीतर ही धरने पर बैठ गया। इसे लेकर काफी देर तक अधिकारी उलझे रहे। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के लिए शुभ मुहूर्त में नामांकन फॉर्म खरीदा गया। इसी तरह बेमेतरा जिला मुख्यालय में मंत्री रविन्द्र चौबे के लिए नामांकन फॉर्म खरीदा गया। इस दौरान कुछ नेता बागी होते भी नजर आए। रायपुर दक्षिण सीट में कांग्रेस ने महंत राम सुंदर दास को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया, लेकिन इसी सीट से कन्हैया अग्रवाल ने भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म खरीदा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब सियासी दल शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा जहां राष्ट्रीय नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को बुलाकर नामांकन दाखिले की तैयारी में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज को अधिक से अधिक नामांकन दाखिले के कार्यक्रम में शामिल करने की रणनीति तैयार कर रही है। दोनों ही दल जहां बागी प्रत्याशियों पर बैकफुट में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अपनी जीत का दावा करते नहीं थक रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी के समर्थन में कार्यकर्ता ने केरोसिन अपने ऊपर डाला क्या? नहीं डाला। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या गमले दरवाजे तोड़ रहे हैं या अपने नेताओं को अपशब्द कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं। जितना घमासान है, जो भी रोष है, जो भी अंतरकला है, वो कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस की ये रीति नीति रही है। कांग्रेस के लोग अपने कार्यकर्ताओं को भी ठगते हैं, बाद में वो कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करता है और ये महसूस करता है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, इसलिए इस प्रकार की बातें होती हैं। कांग्रेस पार्टी में बगावत की स्थिति नहीं है। कुछ लोगों के अंदर में मलाल होता है, कुछ लोगों को दुख भी होता है, टिकट नहीं मिलती है, सामान्य प्रक्रिया है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति है तो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो बुरी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बगावत की स्थिति बनी है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पर काली पोता गया है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के पोस्टर को फाड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी में मनसुख मंडाविया के सामने गाली गलौज की गई है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यालय में लोगों ने 3-3 दिन तक एक हफ्ते तक धरना दिया है। कांग्रेस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसकी स्क्रूटनी अब शुरू हो गई है। वही दूसरे चरण के लिए भी दावेदारों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। बागी प्रत्याशियों के तीखे तेवर भी ये बता रहे हैं कि कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।